नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बैद समित चतुर्वेदी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पेट के कीड़ों के बारे में, जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर कृमि हो जाती है। आखिर क्यों होती है, होने का कारण क्या है, किस तरह से ठीक हो सकती है और इसको ठीक करने के लिए हमको क्या क्या उपाय करना होगा। स्वाभाविक रूप से दोस्तों हमने सुना होगा कि बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं और जो छोटी मोटी दवाइयाँ होती हैं उनसे ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन बात तब होती है जब यह प्रॉब्लम बड़ी एज में भी हो जाती है। आज बहुत से पेशेंट हमारे पास इस रोग के भी आते हैं कि जिन लोगों के पेट में कीड़े हैं और उन कीड़े होने के कारण से उनको दूसरे रोग हो रहे हैं। एक पेशेंट तो हमारे पास अभी ऐसा आया है जिसके पेट में कृमि होने के कारण से उसके शरीर में पूरी जगह पर कीड़े जा रहे हैं, मतलब उसके दिमाग तक कीड़े पहुंच गए हैं, उसके हाथ में कीड़े आ गए हैं, उसके पैर में कीड़े आ गए हैं और उसकी वजह से उसको घाव हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों आखिर ये कृमि होती क्यों है, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, अब हम जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर हमको इन चीज़ों को समझना कैसे होगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा कृमि होने का जो कारण होता है वो होता है मीठा खाना। कई लोगों को देखा है कि बहुत से लोग मीठा बहुत खाते हैं और मिर्ची कम से कम खाते हैं, ऐसे लोगों को कृमि होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ऐसे लोग जो मछली का सेवन ज़्यादा करते हैं और मिर्ची कम खाते हैं, बॉयल मिर्ची खाते हैं या फ्राई मछली खाते हैं, उन लोगों को भी पेट में कृमि होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो लोग कच्चा दूध पीते हैं, बहुत से लोग मैंने देखा है कि दूध को गाय दूध से तुरंत जो गाय देती है उसको तुरंत पी जाते हैं। ये हमारे इंडिया में चलन भी रहा है, हमारी एंशियंट जो हमारा कल्चर रहा है उसमें चलन रहा है कि भैंस का कच्चा दूध पीना, गाय का कच्चा दूध पीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो पुराने ज़माने में ये सब चलन चलता था, लेकिन आजकल के लोगों का तो डाइजेशन इतना दमदार बचा ही नहीं कि कच्चा दूध या नॉर्मल दूध पी सके। आजकल तो टोन फ्री दूध पीते हैं, फैटलेस दूध पीते हैं। तो बहुत से लोग आज भी गांव देहात तरफ कच्चा दूध पीना पसंद करते हैं, उन लोगों को भी कृमि होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग जो बासा खाना खाते हैं, रात का खाना रोज खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, ऐसे लोगों को भी कृमि होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसे लोग जो हमेशा चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, ऐसे लोग जो बार बार चॉकलेट ही चॉकलेट खाते रहते हैं, ऐसे लोगों को भी कृमि रोग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कई लोगों को तो मैंने ऐसा देखा है कि बचपन में उनको कीड़े हुए थे, बचपन के बाद उनके सारे कीड़े मर गए, बाद में केवल उनके पेट में एक कीड़ा रहा और वो उनको जवानी में कीड़ा निकला, कुछ दवा खाई उन्होंने या कोई दूसरी रोग की दवा खाई और जवानी में केवल एक कीड़ा निकला, उसके बाद उनके शरीर में सुधार हुआ। आखिर कृमि होने के कारण से रोग क्या क्या होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, अगर पेट में कृमि है तो आपके चेहरे का जो रंग है, चेहरे की जो स्किन है वो चितकबरी रहेगी, एक कलर की स्किन नहीं रहेगी, कहीं पर सफ़ेद, कहीं पर गोरी, कहीं पर काली, सबसे पहला ये निशानी होती है। बच्चों के सामने ज़्यादा सिम्टम दिखाई देते हैं। इसके बाद पेट में दर्द रहना, हमारे लैट्रिन के अंदर कीड़ों के अंडे आना या छोटे छोटे कीड़े आना, भूख बिल्कुल ना लगना या बहुत ज़्यादा भूख लगना लेकिन शरीर हमारा पतला होते जाना, खून की कमी होना, आँखों में सफ़ेदपन आना, ये तो हुए नॉर्मल कारण। जब कृमि हो जाती है कभी कभी पीलिया की प्रॉब्लम होती है, हीमोग्लोबिन कम रहना, ब्लड कम रहना, आँखों की रोशनी कम होना, गुदा द्वार में बार बार खुजली होना, बालों का जल्दी सफ़ेद होना, स्किन में हमेशा खुजली होते रहना, बॉडी में ड्राइनेस रहना, दिमाग चिड़चिड़ा रहना, गुस्सा ज़्यादा आना, ब्लड आना, ये सब चांसेस पेट में कृमि होने के कारण भी हो सकते हैं। ये सब चीज़ें रिपोर्ट कंफर्म करने के बाद हमको समझ में आता है कि हमारे आंतों में कीड़े तो नहीं पनप रहे हैं। आंतों में कीड़े होने के साथ साथ जब कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो वही कीड़े हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट में भी जाने लगते हैं। सबसे पहले इन सब चीज़ों को समझने के बाद आपको करना होगा आप उपाय के तौर पर मीठा या मीठा से बनी हुई चीज़ें या दूध से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल त्याग कर दीजिए। इसके बाद आपको सेवन जो करना है वो करना है तीखी चीज़ें, फाइबर वाली चीज़ें, फ्रूट वाली चीज़ें, इन सब चीज़ों को अगर आप सेवन करते हैं तो आपके कृमि ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके साथ आप मिर्ची वाला थोड़ा खाना खाएं, इसमें थोड़ा डाइट में अपना मिर्ची डालें, इससे भी कृमि हमारी नाश हो जाती है ऑटोमेटिकली। कई लोगों का स्पाइसी खाना खाने के बाद भी अगर कृमि नहीं होती है नष्ट, तो नीम के पत्ते खा सकते हैं, खदीरा रेस्ट पी सकते हैं, गिलोय की गोलियाँ खा सकते हैं, खाने में काला गोंद जो आता है काला गोंद का यूज कर सकते हैं, नीम के गोंद का प्रयोग कर सकते हैं, रसौत का प्रयोग कर सकते हैं, पंचघृत घी इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, पटोल घृत इसका भी प्रयोग कर सकते हैं और नीम घृत इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये सब दवाइयों के उपयोग से आपके पेट में होने वाली कृमि
जो कीड़े हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसी बात आती है कि पेट में कीड़े होने के बाद हमको कभी पीलिया हो गया, हमारी आंतों में सूजन हो गई, हमारे एनल में खुजली हो रही है, या एनल में घाव हो गया है, या हमारे गुदा भाग से ब्लड आने लग गया है, बहुत ज़्यादा खुजली होने लग गई है। ऐसी कंडीशन में फिर आप डॉक्टर की या किसी वैद्य की सलाह से ट्रीटमेंट करें। अगर आपके पेट में कृमि होने के कारण से अगर आपको सफ़ेद दाग हो रहे हैं, अगर आपको बॉडी में लाल चकते हो रहे हैं, अगर आपकी स्किन सूखती जा रही है, अगर आपकी बॉडी में कहीं कहीं पर बाल उड़ते जा रहे हैं, कहीं पर बाल झड़ रहे हैं, स्किन के बाल झड़ रहे हैं, तो फिर आप किसी वैद्य से मिलकर इसका इलाज कराएं। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा सफल इलाज है, बहुत जल्दी ये ठीक हो जाती है। अगर शरीर में कीड़े बढ़ गए हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा कीड़े हो गए हैं, इस प्रॉब्लम के कारण पेट में कीड़े होने के साथ साथ शरीर में भी कीड़े बढ़ रहे हैं, तो फिर आपको एक अच्छे वैद्य की देख रेख में 4 से 6 महीने इलाज कराना होगा, तब ये प्रॉब्लम ठीक होगी। डाइट के तौर पर मीठा टोटली बंद कर दें, जूस टोटली बंद कर दें, बिस्किट फास्ट फूड ये टोटली बंद कर दें, नॉनवेज खाना बंद कर दें, डेयरी फूड टोटली बंद कर दें। खाने में आप हरी सब्जियाँ, बिना जूसी फ्रूट, सलाद, मोटा अनाज, दलिया, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाएं। इन सब चीज़ से आपके नेचुरली पेट की सफाई हो जाएगी, पेट के कीड़े जो रहेंगे उनके मतलब का भोजन उनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो पेट में कृमि जो होती है वो ग्लूकोज को ज़्यादा खाती है, कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा खाती है, शुगर वाले फूड को ज़्यादा खाती है। अगर हम इन सब फूडों पर कंट्रोल कर देंगे, अगर हम स्पाइसी फूड को ऐड कर देंगे, फाइबर फूड को ऐड कर देंगे, तो भी उनकी जो हालत है वो कमज़ोर हो जाएगी और धीरे धीरे वो अपने आप भी कमज़ोर होकर बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया आपको पेट की कृमि के बारे में, अगर ये सब चीज़ों से आपका ठीक नहीं होता है तो मैं आपको एक आयुर्वेद की बहुत अच्छी औषधि बताता हूँ, जिसमें बोलते हैं पलास्क का बीज। पलास्क का बीज अगर आपको मिल जाए, पलास्क का बीज आप थोड़ा थोड़ा तोड़ के पर डे उसका सेवन करें, उसके सेवन से भी पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये योग बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन पैदा करता है, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक पैदा करता है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करता है। ये केवल बड़े लोगों के लिए है, बच्चों को कतई ना इसका सेवन करवाएं। बच्चों के लिए आप नीम की पत्ती का सेवन करवा सकते हैं, रसौत का प्रयोग करवा सकते हैं और काली गौंद का प्रयोग करवा सकते हैं। इससे संबंधित अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मेरी कोई सलाह लेना चाहते हैं, मुझसे अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8982752782। थैंक यू दोस्तों।